यहां बहुत संदर्भ छिपी हुई है। उत्तरा कहती है तुम योगी हो, योगी महायोगी हो। दीवा दीवज जगतपति हो, तुम जगत का पति हो। नान्यम तय भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवती ममीसा। सर्यासे तो यसो विभो कामम दुहर्तमानातम मामे गर्भ निपात्यताम, मामे गर्भ निपात्यताम। बोलती है, कहती है तुम योगी नहीं हो, महायोगी हो। हे कन्हैया, ये लोहे का बाण आ रहा है, पहले कहती है मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कितना बुद्धिमान है उत्तरा, कहती है ये कन्हैया मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, दो बार कहती है। फिर कहती है ये लोहा का दहकता हुआ बाण आ रहा है, भले मेरे को मार दे, पर कन्हैया जी मेरे गर्भ की रक्षा तेरे हवाले है, मेरे गर्भ का रक्षा तू करेगा कन्हैया। भगवान ने जब इतना बात सुनी तो भक्त वत्सल बन गए, उसकी गालियां जो है श्लोक बन गई, उसकी गालियां जो है स्तुति बन गई। और भगवान विह्वल होकर सूक्ष्म शरीर जो है, जोगी क्या करते हैं, आज तक आप लोगों ने जाना है जोगी? आप लोग जोगी को बस यही जानते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाते हैं जोगी। कुछ लोग तो जानते हैं कि सारंगी बस बजाते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन पता है जोगी किसे कहते हैं? साधु किसे कहते हैं? महात्मा किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? जोगी किसे कहते हैं? जति किसे कहते हैं? ऋषि किसे कहते हैं? मनीषी किसे कहते हैं? महर्षि, इसका अलग अलग है डिफिनेशन, एक नहीं है। योगी उसी कहते हैं कि अपने प्राण को निकालने का अभ्यास कर और एस्ट्रो ट्रेवल, जहां चाहे अपने प्राण को भेज दे और फिर जब चाहे उसको प्राण को प्रविष्ट कर दे। जैसे हमारी आदि गुरु शंकराचार्य जी, सुनी होंगे आप लोग, मंडन ऋषि की पत्नी ने शास्त्रार्थ किया है और शास्त्रार्थ में पूछा कि जो है कोक शास्त्र किसे कहते हैं? इन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम है। कहा तो कैसा जगत गुरु? जगत गुरु मैंने सब कुछ, जगत गुरु तो बस एक कृष्ण है, जो ठगों का भी है गुरु, चोरों का भी गुरु है, झूठों का भी गुरु है, सबका गुरु, सब कुछ मालूम है, इसलिए जगत गुरु तो है। वासुदेव सुतम देवम कंसचारुण मर्दनम, वासुदेव सुतम देवम कंसचारुण मर्दनम, देवकी परमानंदम, देवकी परमा